चार मित्र गांव से शहर की ओर निकले अपनी विद्या समाप्ति के पश्चात। तीन मित्रों ने हर प्रकार के विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया था, विविध प्रकार की विद्याओं में पारंगत थे। चौथा मित्र इतना अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया और वो कुछ समय के पश्चात ही वो ज्ञान के मार्ग से हट गया था, लेकिन उसकी मानसिक सोच बड़ी तीव्र थी और सामान्य विचारधारा कॉमन सेंस उसकी बड़ी तीव्र थी। चलते चलते शहर की ओर जा रहे थे, सोचा कि वहाँ पर हम लोग कुछ उद्योग आरंभ करेंगे, कुछ व्यापार करेंगे अथवा कुछ नौकरी कर लेंगे। तो चलते चलते रास्ते में उन्होंने कुछ कंकाल देखा और उस अस्थियों को देखकर प्रथम मित्र ने कहा कि मेरे पास वो विद्या है जिससे मैं इन अस्थियों को जोड़कर इसका एक पूरा कंकाल बना दूं। तो तुरंत उसने अपने विद्या का प्रयोग करके कंकाल तैयार किया। उसको देखकर दूसरे ने कहा, मेरे पास वो विद्या है जिसके माध्यम से मैं इस कंकाल के अंदर मांस और रक्त प्रविष्ट करा सकूं। और तत्क्षण उन्होंने अपने विद्या का प्रयोग करके उस कंकाल के अंदर मांस और रक्त तैयार किया। अब तीसरे मित्र ने कहा, मेरे पास वो विद्या है जिसके माध्यम से मैं इसके अंदर जीवन दान दे सकूं। तभी चौथा, जिसके पास सामान्य ज्ञान अधिक था, उसने कहा कि भाई देखने में मुझे तो ये शेर लग रहा है, अगर आप इसके अंदर जीवन दान दोगे वही शेर हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको खा जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। तो बाकी तीन बोले, अरे हम अपनी विद्या का सदुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और तुम बीच में क्या तू मैं कर रहा है। तो चौथे ने कहा, ठीक है, अगर आप इसको जीवन दान देने ही वाले हो तो मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा। और देखते ही देखते वो पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। तीनों ने मिलकर देखा तो तीसरे ने जीवन दान जैसे दिया, शेर जीवित हुआ और तुरंत इन तीनों पर आक्रमण करके उनको घायल कर गया। और इसलिए कई बार हम लोग जानते नहीं कि जिस कार्य में हम अपना समय दे रहे हैं और जिस वस्तु को हम जीवन दे रहे हैं वही वस्तु हमें नष्ट न कर दे। भवन्तमेवानुचरं निरंतर प्रशांत निःशेष मनोरथांतर कदाहमैकांतिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम्। स्तोत्ररत्न में श्रीपाद यमुनाचार्य वर्णन करते हैं कि वास्तव में जीव भगवान का नित्य दास है, लेकिन जब वही जीव इंद्रतृप्ति में लगता है तो इंद्रिय विषय इस शेर की भांति हमें ही ग्रस्त कर जाते हैं, हमें ही खा जाते हैं। इसलिए वास्तविक आनंद विषय वस्तुओं के भोग में नहीं, उनके त्याग करके उन्हीं की सेवा भगवान को संतुष्ट करने में लगाया जाए। तो जब दासत्व को हम आगे बढ़ाते हैं तब मन में संतोष की भावना बढ़ती है, मन में आनंद की भावना और वृद्धि होती है। और इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे भोग से आसक्ति त्याग कर सेवा भाव का वर्धन करें, तब वास्तविक सकारात्मक जीवन परिवर्तन हम अनुभव कर सकते हैं।